शरीर तो नश्वर अवस्था है। विज्ञान कहता है शरीर तो कर्मोदयजन संयोग है। विज्ञान कहता है शरीर तो जड़ है लेकिन आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म स्वरूपी है। यह है अज्ञान और विज्ञान का अंतर। अज्ञान करेगा हमेशा अचेतन जड़ वस्तुओं में एकत्र, अज्ञान करेगा भैया उद्गत विषयों में एकत्र। अज्ञान का काम क्या है? अज्ञान का काम है जीव को अपने स्वभाव का विस्मरण करा के पर पर्याय में रख रखना। और विज्ञान का काम क्या भी है? विज्ञान का काम है वस्तु स्वभाव को यथार्थ रूप झलकाना, वस्तु को यथार्थ रूप झलकाना कि ये अजीव आदि जो पदार्थ है ये जड़ वस्तु है और आत्मा का जो स्वभाव है वो काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, ब्रह्म स्वरूपी है। यह बहुत अभूतपूर्व विषय है कि इस देह देवालय में जो बसरा है वो ब्रह्म स्वरूपी है और ये जो देह रूपी देवालय कह रहे हैं अपने से ये एक तरीके से जड़ है, निष्प्राण। जैसे 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 अपन चैत्यालय में आए, चैत्यालय में मूल क्या है? वेदी है। वेदी पे जो ग्रंथ विराजमान है वो मूल है, अर्थात इस चैत्यालय के प्राण कहना क्या है? चैत्यालय में क्या होना चाहिए? कहना वेदी में यदि जिनवाणी रखी है तो ये चैत्यालय है, यदि वेदी में जिनवाणी नहीं रखी तो ये कहाँ का चैत्यालय? जैसे कहा है वैसे चैत्यालय। ऐसे ही ये जितना भी संसार शरीर भोग दिखाई दे रहा है ये सब जड़ है, ये जड़ है भैया। इस जड़ का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं है, लेकिन इस जड़ के अंतर में जो रह रहा है, इस शरीर के अंदर में जो रह रहा है वो चेतन है। और भगवान आत्मा, जब तक आप उस चेतन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक अज्ञान,
जब तक आप उस चैतन्य को स्वीकार नहीं करोगे, उस चैतन्य को, उस वितराग को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक अब क्या? देखो अपन सरल सी बात कह के आगे बढ़ना है। देखो भैया, यदि शरीर से जुड़ा हो, मन वचन काय से जुड़ा हो, इच्छाएं अपेक्षाएं दिन रात जो उत्पन्न हो रही है यदि उनसे जुड़ा हो तो अज्ञान। क्यों अज्ञान भैया? क्यों अज्ञान? इसलिए अज्ञान कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं, और आत्मा के स्वभाव से विपरीत होने के कारण से वो जड़ है, अचेतन। और यदि आप ये गुरुदेव की गाथा संग्रह काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, कि इस काया के प्रमाण रहने वाला मैं ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा हूं, ये तो वो चैतन्य को जान रहे हो, अपने स्वभाव को जान रहे हो, तो ज्ञान विज्ञान। अपन ने एक सरल सी भाषा दे दी भैया, यदि शरीर आदि से जुड़ रहे हो तो अज्ञान, क्योंकि जड़ आत्मा का स्वभाव नहीं है। और यदि शरीर के अंदर में रहने वाला जो प्राण है उससे जुड़ रहा हो तो भैया क्या है? ज्ञान। ज्ञान अर्थात विज्ञान, विज्ञान अर्थात वो सत्य, वो सत्य को जान रहा हो आप, उस स्वरूप को जान रहा हो जो यथार्थ है। देखो भैया, जब तक अपना ज्ञान विज्ञान नहीं होगा ना, तब तक अज्ञान में रहे। जब तक अपने को ये यथार्थ बोध नहीं होगा ना कि ये शरीर, शरीर से होने वाले शुभ कर्म अशुभ कर्म, अपन सोचते ना भैया देखो हम बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, बुरे कर्म के करता तो हम नहीं, लेकिन अच्छे शुभ कर्म तो करना चाहिए ना, शुभ कर्म तो अपना करना कर्तव्य है, अशुभ नहीं करना चाहिए, शुभ तो करना चाहिए ना, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य तो करना चाहिए ना भैया, करना चाहिए या भैया मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं? जब तक ये कर रहा हूं, जब तक मैं कर रहा हूं, धर रहा हूं, करा रहा हूं, करवा रहा हूं, यानी जब तक ये कर रहा, धर रहा, करवा रहा हूं, जब तक ये भाव है ना, या जब तक शरीर से जुड़े। अब आप शरीर से जुड़े हुए हो तो आप शरीर से जुड़े हुए हो तो भैया क्या होगा? यदि आप शरीर से जुड़े रहोगे तो अज्ञान प्रकट होगा। यदि आप कर रहे हो तो भैया फिर काम सही होना चाहिए, आपके मन के अनुसार होना चाहिए। आप करवा रहे हो तो जैसे आपकी इच्छा के अनुसार है वैसा काम होना चाहिए, और उस इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा भैया, आपको आकुलता भी होगी, आपको व्याकुलता भी होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि आप कर रहे हो, करवा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो तो भैया आपके अनुसार होना चाहिए। यदि आपके अनुसार नहीं होगा तो आप विचलित हुए बिना नहीं आओ, क्योंकि मान्यता ये है ना कि मैं ही कर रहा हूं, तो आपको विचलित बना आएगा। और यदि भैया यदि ये निर्णय हो जाए कि ये कर्ता धर्ता का जितना भी परिणाम है, इस शरीर का परिणाम है, और ये कर्म उदय के कारण से हो रहा है, और मैं इससे भिन्न ब्रह्म स्वभावी ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, ऐसा अंतर आत्मा का बोध आ जाए कि ये होने वाली क्रिया से मैं भिन्न हूं, इस होने वाले परिणाम से मैं भिन्न हूं, मैं आकर्ता हूं, मैं आभोक्ता हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, होने वाले परिणाम से भिन्नता का बोध आ जाए भैया, अपने आप ही जो दिन भर चिंताएं होती है, अपने आप ही जो दिन भर सल उत्पन्न होती है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, लाभ होना चाहिए था, हानि क्यों हो गई, जो भी चिंताएं होती हैं, जो भी सल होती हैं, भैया वो सल भावना अपने आप ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक अज्ञान मानता है तब तक ज्ञान अज्ञान, और जहां विज्ञान प्रकट हो गया कि इस देह से ही मैं भिन्न हूं, इस जड़ से ही मैं भिन्न हूं, जहां विज्ञान प्रकट हो गया वहां सारा का सारा जितना भी चिंता है, जितना भी जितनी भी उलझन है मान्यता में है ना, मान्यता पलटेगी और उलझन खत्म हो जाएगी। मिथ्या मानता है इसलिए उलझन है, और मिथ्या मानता हटेगी और उलझन खत्म हो जाएगी। बहुत सरल है, पर अगली गाथा पे चल रहा है, इस गाथा को हम 5 दिन से ले रहे हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणत्वम, और गुरुमज कितना कितना निर्भय कर रहा है आपको, निरंजनम
कर्म रूपी मेल आत्मा में है ही नहीं, चेतन लक्षण एकदम आत्मा चेतन लक्षणमय है। भैया जब आत्मा में कर्म रूपी मेल नहीं है तो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो कोई सब मेल आत्मा में नहीं है, निरंजनी है आत्मा। भैया आत्मा आप यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, भैया आत्मा निरंजन है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमें तो भैया राग देश कर्म रूप दिखाई दे रहा। भैया तुम आत्मा को देख कर रहे हो, तुम तो शरीर को देख रहे हो इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा। अब तुम देख रहे हो शरीर को और बात कर रहे हो आत्मा की, दृष्टि है शरीर पे संयोगों पे कर्म उदय पे, भैया राग के भाव चल रहे हैं, देश के भाव चल रहे हैं, वे पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, ये अच्छे भाव चल रहे हैं, बुरे भाव चल रहे हैं। भैया देख रहे हो आप कर्मों की धारा को, तो गुरु महाराज कह रहे निरंजनम चेतन लक्षण एकदम, वो इन कर्मों के अंजन से परे चेतन लक्षण है। भैया अपनी दृष्टि कहां है कर्मों और क्या कह रहे हो, अपने को निरंजन स्वरूप दिखाई नहीं दे, तो दिखाई कैसे देगा? दिखाई दे तब देगा ना कि जब आप इन कर्मों से दृष्टि हटा के उस चेतन लक्षण में अंतर आत्मा को देखो, आपका उपयोग अंतर की ओर लगेगा तब दिखाई देगा ना। तो भैया उपयोगी अंतर की ओर नहीं लगेगा तो दिखाई कैसे देगा? ये होता देखना क्या भैया, आत्मा का दर्शन करना, देख क्या रहे हो कर्मों के हैं उदय, देखना क्या चाहते हो निर्विकार को निर्विकल्प को निशंक, जो वीतराग तीन लोक का नायक है, तीनों लोकों को केवल दर्शन केवल ज्ञान में जो प्रकाशित करने वाला है, ऐसे ध्रुव परमात्मा को देखना चाहते हो, ऐसे ध्रुव वीतराग तत्व का दर्शन करना चाहते हो, लेकिन वे देख क्या रहे हो बाहर बहिर्मुख उपयोग से क्या देख रहे हो कर्मों की चलने वाली धारा को देख रहे हो, बाहर खड़े हो चैतन्य के बाहर और कह रहे हो जिनवाणी के दर्शन करना, खड़े हो चैतन्य की बाउंड्री से बाहर और कह रहे हो जिनवाणी के दर्शन करना है, वही जिनवाणी के दर्शन तब होंगे ना कि जब तुम चैतन्य के अंदर आ जाओ। भैया ऐसे ही तुम्हारा उपयोग लगा है बाहर, देख रहे हो कर्मों की धारा को, भैया आत्मा के दर्शन जब होंगे ना कि जब तुम्हें आत्मा की रुचि लग जाएगी, तत्व की रुचि लग जाएगी, जब तत्व की रुचि लगेगी तो उपयोग अंतरोन्मुख होगा, तब जानने में आएगा निरंजनम चेतन लक्षण। गुरु महाराज ने आगे भी कह दिया भावे अनित्यम जिन्यम, भैया जो राग के भाव चल रहा है ना देश के भाव चल रहा है ना, ये तो कर्म उदय से उत्पन्न होने वाले औदायिक भाव है, ये आत्मा के छायिक भाव नहीं, ये भाव राग देश के भाव सदाकाल रहने वाले नहीं है, ये कर्ता वक्ता के भाव सदाकाल रहने वाले नहीं, ये मान अपमान के भाव सुख दुख के भाव सदाकाल रहने वाले नहीं है, ये सारे भाव तो कर्म उदय के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो चाहे कर्ता हो चाहे भोक्ता हो कोई सा भी परिणाम हो कहां से आ रहा है? ये घटना हो रही है तो वो भी फिक्स है, कर्मों का उदय फिक्स ही है ना, इस संसार में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब निश्चित, अनिश्चितता ऐसा कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया जैसे कर्मों के बंध बनते हैं वैसे ही तो जीव परिणमित होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सारे जीव अपने कर्मों के आवरण के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। नहीं अब जैसे मोटरसाइकिल वहां में लाग नहीं लगा चोरी हो जाए बिल्कुल स्वतंत्र परिणाम, भैया आप नहीं नहीं सुनो तो बता रहे आपका लाभ न लगा, आप रोज तो लाभ लगा के आते थे, आज आपका लाभ न लगाने रूप भूलने रूप परिणाम जो हुआ वो इसीलिए हुआ है कि चोरी हुआ। अच्छा वो बाघ होदे होए को चोर को, चोर को होदे होए को, चोर का यदि भैया देखो उसका यदि पुण्य उदय होगा ना वो चोरी जरूर कर रहा है, यदि उसके पुण्य उदय में यदि वो गाड़ी उसके भाग में है तो तुम 1000 ताले में लगा लेते तो चोरी हो जाती,
क्योंकि भैया उस प्रदल द्रव्य का परिणाम जिस द्रव्य के साथ चलना है उसी साथ तो चलेगा, वो फिक्स है, टोटल फिक्स। तो ये आरोप लगाना बेकार है, आरोप लगाने तो कर्ता बुद्धि है, वो एक तो संस्कार है, उस कारण तो रो रहा है अपना अनादि काल से, तूने मेरा अहित किया, तूने मेरा अहित किया, ऐसी कर्ता बुद्धि ने अनादि काल से जीव को रुला रही है, तू करता या मैं करता, तूने सुखी दी करा है तूने दुखी किया, तूने मेरा अच्छा किया है तूने बुरा किया, ये कर्ता बुद्धि तो अनंत काल से बुला रही है। और यदि कर्ता बुद्धि टूट जाए तो फिर है ही क्या संसार, संसार में है क्या, करने धरने में तो मजा आ रहा है कि अच्छा कर लिया बुरा कर लिया, अच्छा मजा ही तो नहीं आ रहा, और मजा चाह रहे करने धरने में मजा आ रहा, वो तो कर नहीं मजा तो आ रहा है, तूने ऐसा मजा नहीं आ रहा, अगर पूरी समाज मजा नहीं आ रहा हो तो भीड़ लगी होती मंदिर में, वही तो कह रहा है करने धर्म में मजा आ रहा, संसार की क्रिया करने धर्म में मजा आ रहा, एक दूसरे दो दो सौ भैया आप देखो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि फिक्स है सब, कर्मोदय में सब कुछ निश्चित है, उसमें अपन घबड़ा उसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना। यदि भैया उस चोर के भाग में नहीं होगी तो लोगों की तो मारुति नहीं मिलती लेकिन तुम्हें फटफटी मिल जाएगी, ये सब काल परिणाम निश्चित है। अपने को तो सिर्फ एक बात याद रखना, गुरु महाराज कह रहे हैं कि भावे अनित्यम जेन्यम, अरे जब कह रहे भाव जो चल रहा है वो कर्म उदय से चल रहा है, तो भाग की क्रिया की बात कहां तक, भावे अनित्यम जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो अनित्य भाव धारा उत्पन्न हो रहे हैं, राग की द्वेष की मोह की कर्तव्य की भोक्तत्व की, ये धाराएं कर्म निमित्त से उत्पन्न हो रही है। अपना काम है मैं इनसे भिन्न ज्ञाता तत्व होना, कहना पड़ेगा अंतर में चिंतन, पहले चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करने से श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा करने से फिर कहना नहीं पड़ेगा, इस समय निर्विकल्प नहीं रह सकते, हाँ निर्विकल्प रहने का अभ्यास कर सकते, निर्विकल्प रहने का अभ्यास कर सकते, जैसे कि राग की धारा चल रही है, राग की धारा में अपन जुड़ जाएंगे, हमने हजारों बार बताया है, यदि उस राग के परिणाम में अपन जुड़ जाएंगे तो उस राग जैसे हो जाएंगे उसी में बहते रहेंगे, तो भैया यदि ये बोध आ जाएगा कि इस राग से भिन्न में हूं चेतन में आत्मा, यदि ये बोध आ जाएगा कि ये राग की धारा कर्म उदय से चल रही है मैं तो जान में देखने वाला हूं, तो वो राग की धारा 24 घंटे नहीं चलेगी, वो उसका जितना उदय उतनी चलेगी और चली जाएगी। अभी देखो ये अपन राग से जुड़ जाते हैं, अज्ञानता में राग से जुड़ जाते ना, मोह से जुड़ जाते ना, किसी द्वेष परिणाम से जुड़ जाते ना, तो फिर वो धारा लंबी खींचती है। अनंत ने मुझे कसा समझाया थी हमने आखिरी बार जब प्रवचन सुना था, क्या होता है अपने को मान लो किसी ने बुरा कह दिया तो अब वो कसाय के भाव 6 महीने 6 साल 10 साल भी चलते हैं, क्यों चलते हैं भैया, आपको वस्तु स्वभाव का बोध ना होने से उनका कर्ता ही मैं हूं या उसने मेरे साथ बुरा ही किया है, ऐसी जो प्रणाली है ऐसी जो मिथ्या मानता है वो मानता आपको साल भर तक घसीटती है, और यदि ये बोध आ जाए कि ये तो मेरे कर्म उदय से हुआ है और ये परिणाम मुझसे भिन्न है, तो वो 2 घंटे से ज्यादा रहने वाली, चाहे तुम उससे 2 साल ना बोलो मुंह से लेकिन अंतर मन में वो बेर का परिणाम नहीं रहने वाला, अंतर मन में वस्तु स्वरूप का चिंतन रहेगा, भैया वस्तु स्वरूप का चिंतन रहेगा ना तो कर्मों के आश्रमन स्वयं ही नहीं हो, ये तो गुरु समझा रहे हैं, भावे अनित्य, ये भाव अनित्य है, जय ज्ञान रूपम तू ज्ञान में चेतन तत्व परमात्मा, अपन भाव का नित्य मान रहा है इस अच्छे करो, सब भक्ति करिए मैंने पाल लीजिए बहुमान कर खूब आनंद आया काम है बाप हम नाचो, भाव अनित्य गए सब परिणाम थे चले गए, दुकान पे गए थे लड़के खूब डांटा खूब फटकारा, अब करो गुस्सा अब बको गाली काहे नहीं हो रहा है, गए पकड़ाए नहीं थे चित्त में पकड़ाए नहीं थे भैया, उनका परिणाम शुभ भाव का परिणाम आना था चला गया, अशुभ भाव का परिणाम आना था चला गया, भाव मिला गए लेकिन जानने वाला तो अभी भी है ना, देखने वाला तो अभी भी है ना,
आत्मा तो अभी भी है ना, तुम्हें इस आत्म शक्ति का बोध आ जाए। भैया गुरुमान ये तो कह रहा है भाव है अनित्यम, ये भाव अनित्य है, जे ज्ञान रूपम, जो तुम्हारा ज्ञान में रूप है वो नित्य है। तुम ज्ञायक पदार्थ चेतन में आत्मा हो, तुम ज्ञान घन चेतन में आत्मा हो, तुम अपने ज्ञान स्वभाव को विस्मरण करते क्यों भगवान आत्मा? तुम्हें अपने ज्ञान में तत्व का बोध, अपने अंदर आत्म स्वभाव का बोध रहता क्यों नहीं है? तुम तो ज्ञान में हो ना, तुम्हें एक बार विश्वास हो जाए मैं तो जानने और देखने वाला हूँ, करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। बार बार शक्ति का विश्वास करना पड़ेगा, बार बार शक्ति का चिंतन करके मनन करके श्रद्धान बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे ज्ञान में रूप का श्रद्धान बढ़ जाएगा, ये करने धरने रूप जितने भी कर्म दे है ये अपने आप भिन्न दिखाई देने लगेंगे ना। जैसे ही ज्ञान अज्ञान ना होके विज्ञान हो जाएगा तो ये पर पदार्थ सब पराए हो जाएंगे, और जब तक ज्ञान अज्ञान है जब तक पर पदार्थ मेरे है। बात समझ में नहीं आई? जब तक ज्ञान अज्ञान है, राग देश मोह की शरीर की धारा से जुड़ रहा है, जब तक सब कुछ मेरा है, और जब तक मेरा है जब तक सारी आकुलता है। अज्ञान है जब तक सब कुछ मेरा है, और जब तक सब कुछ मेरा है जब तक सारी आकुलता है। जब मेरा है तो तुमने छीन कैसे लिया? सब आकुलता तभी है। और यदि आप ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मेरा अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव मेरा है जिससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और बाकी संसार में कुछ मेरा ही नहीं, अब बताओ काय की आकुलता? जब कुछ मेरा है ही नहीं तो ना कोई छीन सकता ना कोई ले सकता। जो मेरे भाव में है वो पुण्य से आई रहा है, और जो भाव में नहीं है वो पाप और पीछे से चुरा ही रहा है। आगे के गेट से आ रहा है और पीछे के गेट से जा रहा है। पुण्य पाप के गेट है भैया, एक गेट आने का द्वार है, दूसरा गेट जाने का द्वार, दोनों गेट खुले हुए हैं। भैया आपके पास आपके जैसे परिणाम है या पूर्व में आप जैसे पुण्य पाप को अधिक लेके आए हो उस अनुसार आश्रम अंतर आने का द्वार हो रहा है, और वैसे कर्म को अधिक आके जा रहे हैं। यहाँ तो जो कुछ भी है सब कर्मों की लीला है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम। तो ज्ञान में रूप वाला भैया, और बिल्कुल अंत में कह दिया भैया सुनो, जो जीव ऐसा चिंतन करते हैं, जो ऐसे ब्रह्म स्वभाव को देखते हैं, जो कर्मों से रहित अपनी निरंजन चेतन लक्षण में आत्मा को देखते हैं, ते शुद्ध दृष्टि, वो काय के धारी है भैया? शुद्ध दृष्टि के धारी है, और सम्यक वीर्यम, उन्हें सम्यक का प्रसाद प्रकट हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गए हैं, उन्होंने सम्यक को जान लिया है। ऐसे जीव जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए अगली बात, जिन्होंने ऐसा जान लिया है कि शरीर में नहीं हूं, शरीर से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, जिन्होंने ऐसा जान लिया है कि कर्म उदय मेरा सपरिणाम नहीं है, मैं निरंजन चेतन लक्षण में हूं, जिन्होंने जान लिया है कि भैया आज जो भाव चल रहा है सब अशुभ राग देश के, वो कर्म देश से है, लेकिन मैं राग देश करने वाला नहीं हूं, मैं ज्ञान में रूप हूं, जानने और देखने वाला। जय शुद्ध दृष्टि ते शुद्ध दृष्टि, जिन्होंने ऐसी शुद्ध दृष्टि को प्रकट कर लिया है, कौन सी शुद्ध दृष्टि भैया? इस अजीब शरीर से भिन्न में जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप, जिसने ऐसी शुद्ध दृष्टि को प्रकट कर लिया है सम्यक वीर्यम, उसने क्या कर लिया भैया? सम्यक के पुरुषार्थ को प्रकट कर लिया। अब ऐसे जीव के साथ क्या घटेगा भैया? संसार दुख जन, अब उसे संसार में सुख सुख नहीं दिखेगा भैया, अनादि काल से जीव संसार में सुख है। जे त्रिभुवन में जीव अनंता सुख चाहे दुख से भयवंता, त्रिलोक में प्राणी मात्र सुख चाहता है, प्राणी मात्र समता चाहता है, प्राणी मात्र शांति चाहता है, और दुख से भयभीत है, दुख से घबराता है, आकुलता से घबराता है, लेकिन भगवान आत्मा वह जीव सुख का मार्ग नहीं जानता, शांति का मार्ग नहीं जानता, आनंद प्राप्त करने का मार्ग नहीं जानता, लेकिन आचार्य तारकनाथ स्वामी कहते हैं जो जान गया कि इस शरीर से भिन्न ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा हूं,
कर्मों से भिन्न चेतन लक्षण में हूँ, जो जान गया कि चलने वाले भाव से भिन्न मैं ज्ञान में रूप वाला हूँ। जिसने अपने अंतर में अपने शाश्वत सुख को जान लिया वो संसार दुखम, वो जीव जानता है कि ये संसार तो दुखों का घर है। इस संसार में पुण्य करो या पाप, अच्छा करो या बुरा, इस संसार में जो कर्म आवरण है वो आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, संसार दुखों का घर है ऐसा जानता है। जे नर रक्तम वो नर, वो पुरुषार्थी इस संसार से विरक्ति का मार्ग अपनाता, संसार से विरक्त होता है। ये देखो अज्ञानी जीव संसार में सुख मानता है तो वो संसार से अनुरक्त होता है, और कमाना है, कमाने की मनाही नहीं, पुण्य के उदय में उतना आए गई लेकिन उसे और अधिक की आसक्ति रहती है, वो और अधिक चाहता है, उसे वस्तु का निर्णय नहीं रहता। ये तो पुण्य की सामग्री है, थोड़े समय का उपभोग है, शरीर का उपभोग है, और शरीर भी मिलाने वाला है, शरीर से होने वाला उपभोग भी मिलाने वाला है। अज्ञानी को ऐसा बोध नहीं रहता, लेकिन ज्ञानी को बोध रहता है कि ये जो भौतिक संपदा जोड़ रहे हैं ये भौतिक संपदा भी पाप के उदय में क्षय होने वाली है, और भगवान आत्मा मेरी स्वयं की आयु भी क्षय होने वाली है, ना मेरा शरीर नित्य रहने वाला और ना ये भोग नित्य रहने वाले, ये तो अनित्य वस्तुएं हैं। ऐसा जानता है कि संसार तो कोई भी हो, चक्रवर्ती हो, सेनानी हो, महाराज हो, सम्राट हो, कोई भी हो, इस मृत्यु के मुख से कोई नहीं बचा, जन्म मरण की पीड़ा से इस संसार में कोई नहीं बचा। जानता है जी, इसलिए जानता है कि संसार दुख, कुछ भी कर ले संसार में यहां से निकलने वाला दुखी कौन जानता है? जे शुद्ध दृष्टि सम्यक बीजम, कुरमान यहाँ कहते ना, देखो पहले का सम्यक बीजम मतलब सम्यक का पुरुषार्थी, नीचे क्या कह दिया, संसार दुखम जे नर, जो पुरुषार्थी है वो नर, जो अपने ब्रह्म स्वभाव को, अपने ज्ञाता स्वभाव को, अपने विराग तत्व को जानता है उसके लिए नर संज्ञा आ गई, और इसके पहले नपुंसक है। क्यों? क्योंकि अपने ध्रुव तत्वीय पुरुषार्थ को नहीं जानता, कर्मों के अधीन होते हुए परिणाम कर रहा है, कर्म जैसा घुमा रहे हैं वैसा घूम रहा है, और अपने अंतर मन को नहीं जानता, और जो अपने मन को अंतर मन को नहीं जानता जिन आगम में उसे नपुंसक कहा गया, अध्यात्म में उसे नपुंसक कहा गया कि यह अपनी शक्ति को नहीं जानता। इसमें वो शक्ति है कि तीनों लोगों पे साम्राज्य कर सकता है, केवल दर्शन ज्ञान में अनंत चतुष्टय का उपभोग कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति को नहीं जानता, बल्कि कर्मों के अधीन होके, खुदगल इंद्रिय विषयों के अधीन होके कर्मों की गुलामी करता हुआ इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुखों को भोग रहा है, जन्म मरण कर रहा है। कैसा है ये? कहना है तो अनंत बलशाली लेकिन आचरण कर रहा है नपुंसक जैसा, कायर जैसा। तो यहां गुरुमाया ने अगली गाथा में संज्ञा दी है संसार दुखम, संसार जिसे दुख रूप लग रहा है या जो ज्ञानी उसे को लग रहा है। तो जे नर रक्तम वो पुरुषार्थी वो नर इस संसार से विरक्त होने का मार्ग ढूंढता है, विरक्त होने का मार्ग बनाता है, जुड़ता है अपने निष्कर्ष से, जुड़ता है भगवान आत्मा की देशना से, जुड़ता है गुरुदेव के वचनों से, जुड़ता है भगवान की वाणी से, भैया अपने अंतर आत्मा का रस पीता है, जुड़ता है जिनेन भगवान की शुद्ध देशना से। वो जानता है भैया कि संसार तो दुखों का घर है, भैया संसार में तो जन्म मरण का दुख कभी खत्म होने नहीं। आज मनुष्य भाव है तो भैया 50-60 साल की आयु मिल गई, त्रियंश गति में चले जाते तो पंचम काल के 10-12 साल जीते, मच्छर बन जाते तो 2 दिन जीते, भैया एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते तो एक सांस में 18 बार जन्म और मरण निगो चले जाते तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते। तो संसार तो दुखों का पिंड है, आज पुण्य का उदय है मनुष्य गति है इसलिए वो दुख जानने में नहीं आ रहा है, कल पाप का उदय होगा नर्क त्रयंश गति में जाएंगे तो वो दुख प्रकट हो जाएंगे। तो
संसार में जब तक रहोगे तो दुख तो कोई उपाय नहीं है। और ये देखो पंचम काल का नाम ही क्या है, दुखम काल, मतलब यह दुख के अलावा और कुछ भी अपन क्या ढूंढ रहे हैं, सुख। पंचम काल में जो सुख ढूंढे उससे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। समस्या बड़ी है, महापागल है। सब सामने लिखा है कि तू दुखम काल में जन्म लेके आया है, यहां तू खाएगा तो पचेगा नहीं, पच जाएगा तो बीमारी आ जाएगी। सीधी बात है, यहां निश्चित ही है कि ये काल ही दुख का काल है, यहां सब मिल सकता ही नहीं। चौथे काल में तो मिक्स है सुखम और दुखम, दुखम और सुखम, वहां तो आधा सुख और आधा दुख, लेकिन 100% दुख, सबका कोई काम ही नहीं। या दुख में दुख चल रहा है, ओनली ओनली फॉर अब सुखी हो गए वो उपाय। हाँ, अरे आत्मा तो अनंत सुख का पिंड है, हम तो काल की बात कर रहे हैं। काल है दुखम, तो ये काल तो दुखमा काल है भी। अब इस दुखमा काल में भी अपन पाप, हम तो शरीर की बात कर रहे हैं, यदि इस दुखम काल में अपन शरीर से भी सुख प्राप्त करना चाहें तो नहीं होंगे। जैसे गन्ने की कटान को चूसो तो उसमें से रस निकलने वाला नहीं है, ऐसे ये काम काल दुखम काल है, यदि इसमें ज्यादा भोग कर लोगे तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, तो सहना ही नहीं, सहना ही नहीं। भैया देखो चौथे काल में इतना सब खाते थे बढ़िया, 24 घंटे आराम से रहते, एक बार पानी पी लेते थे तो दिन भर प्यास नहीं लगती। अब पता पता अब क्या खाने खाने में जीवन निकल रहा है, पीने में जीवन निकल रहा है, सुबह शाम भूख प्यास की वेदना के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान आत्मा कभी विचार तो करो, हमें दुखम काल में सुख लेना चाहते, इंद्रियों का, विषयों का, भोगों का, पापों का, कसायों का, हम दुखम काल में सुख की प्राप्ति करना चाहते, भगवान कैसे होगी? एक ही जगह हो सकती है भैया, संसार दुखम झेलन रक्तम, जो संसार से विरक्त हो जाएगा जिसकी इच्छा तब तक ही दुख है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, महादुख नहीं है। जब तक इच्छा है तब तक कामना है, तब तक दुख है, और जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा और कामना पर नहीं होगा। देखो अरे बहुत अच्छा तुलनात्मक आपको बता रहा है, चौथे काल पंचम काल में थोड़ा छोटा तुलनात्मक वर्णन कर रहा है। पंचम काल में क्या है भैया, 8 बार भूख लगती है, अपन खाते 2 ही टाइम है, 3 बार है, बात छोड़ो, दिन भर भूख को प्यास के परिणाम उत्पन्न होते हैं, इच्छा अधिक प्रकट होती है, अपन नहीं भी करना चाहे तो अधिक उत्पन्न हो रही है। जब अपन धन की बढ़ाने की करते हैं, पुत्र बढ़ाने करते हैं, पैसा बढ़ाने को लिया छोड़ दो अभी, ये तो है ही पागलपन, लेकिन अपन नहीं भी करना चाहे, यदि अपन सोचे भैया भैया आज भोजन नहीं करें, लेकिन अपन सोचने नहीं करें, उपवास भी कर लें, लेकिन इच्छा तो। अब चौथे काल में क्या था भैया, वो इच्छा ही नहीं होती थी, तो मतलब दुख बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया पंचम काल में, सहन शक्ति की बात बाद में करें, इच्छा बढ़ाई पंचम काल में, इच्छा बढ़ गई तो दुख बढ़ गया। चौथे काल में जब इच्छा काम आती, जब एक काम करना तो भाई तो गलती करी मां, सेहत थी अच्छा, बज शरीर था, सब कर सकते, लेकिन समझ में नहीं आई, नहीं ली गुरु महाराज की शरण, भगवान आत्मा इसलिए तो कह रहा है काम बना लो जल्दी से, संसार दुखम झेलन रक्तम, जो जानते हैं जो समझ रहे हैं वो नर वो पुरुषार्थी इन इच्छाओं से विरक्त हो जाते हैं भैया, उन्हें बोध हो जाता है ये काल के प्रभाव से इच्छा हो रही है,
काल के प्रभाव से वासना उत्पन्न हो रही है, ये काल के प्रभाव से सहना नहीं रह पा रही है, उन्हें विरक्ति आती है कि अहो ये कैसे नश्वर देह में रह रहा हूं मैं, ये कैसे खोटे कर्म किए थे जो इस पंचम काल में आया, उन्हें विरक्ति आती है इस संसार से, विरक्त होते हैं कि भगवान कैसे खोटे कर्म किए थे इस पंचम काल में जन्म लेना पड़ा, और यदि कैसे खोटे कर्म करे तो आगे छठम छठा आ रहा है, ये सिर्फ दुखम है, ये सिर्फ दुखा दुखम है, दुखम वो दुखमा दुखमा है, डबल मल्टीप्लाई, हाँ वो मल्टीप्लाई होगा भैया, वहां अग्नि छिन्न हो जाएगी, जो कुछ मिले कच्चे ही है, अग्नि नहीं चलेगी छठम काल, अग्नि लुप्त हो जाएगी, पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, हाँ मिट्टी खाओ वनस्पति खाओ कच्चे खाओ स्वास्थ्य, इतनी सी आई होगी शरीर में, इतने रोग होंगे, इतने रोग होंगे जिनकी गिनती नहीं होगी, हाँ रोगों की गिनती नहीं होगी, और ना डॉक्टर मिलेंगे ना चिकित्सा में, इसलिए आने की सोचना भी नहीं। तो भगवान कहा आने वाला दुखम दुखा है, इसलिए क्या कह रहा है संसार दुखां, गुरुदेव समझा रहा है कि भगवान संसार में रहोगे तो कहीं ना कहीं जन्म लोगे, और जन्म लोगे संसार में तो फिर दुख तो होगा ही पड़ेगा भैया, प्रसन्न तो नहीं आ रही जो सत्य समझने के बाद उदासी छा रही है, पर मतलब जो ऐसा खजाना मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता, मुझे खजाना जैसी बात सुन भी आ रही है जो मुंह लटक रहा हूँ, जाने की अच्छी गुस्सा यार, यार अपन सत्य मार्ग पर आगे चल रहे हैं और बात प्राप्त कर गई माने भगवान आत्मा, यदि सत्य का भगवान आ जाए तो प्रकट ना हो जाए, वही तो निष्ठा करो भगवान आत्मा, लगाओ जोर, जोर के लिए लगा, वैसे दुकान चलाने के लिए लग जाते जोर, जोर तो काम कर रहा हो यहाँ यहाँ लगा जो इधर नहीं लग रहा हूँ महाराज, उधर नहीं लग रहा हूँ मैं, भगवान में लग रहा हूँ सबको, गुरु महाराज ऐसे कोई नहीं हो सिद्धांत के ऊपर, इधर बैठे हैं ना सबको जोर होता नहीं लग रहा, दुखी नहीं है बात समझ में आ जाएगी तो सुखी हो जाएगा भैया, देखो सीजन होना नहीं होना, बाहर में व्यस्त होना नहीं होना, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतर आत्मा की रुचि हो तो। अरे भगवान एक बार बता, चक्रवर्ती कितने व्यस्त रहते थे, 96,000 रानियां और 6 खंड का राज, 125 करोड़ रिश्ते नातेदार, और भगवान जी यहाँ खड़े होते थे तो वहां सूर्य में जो विमान बना हुआ है वहां महाजन में वहां चैतन्य दर्शन करते थे, हजारों किलोमीटर नहीं करोड़ों किलोमीटर अरबों किलोमीटर जिनकी रोशनी नेत्र नेत्र की, यहाँ बात करो यहाँ बैठे हो तो 6 गांव पहले तुम बात कर रहे हो वो सुनाई देता था, कितना नहीं सुनते होंगे, कितना नहीं समझते होंगे, कितना नहीं देखते होंगे, जाके बात भी ब्रह्म देरा, और अपन पड़ोसी की बात सुनते गुस्सा आया था कि तूने ऐसा कैसे खेती, निर्णय नहीं है ना कर्म का उदय भगवान आत्मा, निर्णय नहीं है ना, वो इतना सुनने के बाद इतना समझने के बाद इतना देखने के बाद उन्हें पर में देखने की इच्छा नहीं है, पर अपन देख नहीं पा रहा है, अपन सुन नहीं पा रहा है, अपने वो कान दीवार में कान लगा लगा के सुनने की रुचि है, रुचि विपरीत ना अपने रुचि विपरीत है, दूसरों सुख से दुखी नहीं है बेचारा, दुखी इसलिए है कि दूसरे को सुखी तो देख रहा है जबकि सामने वाला सुखी नहीं है, वो तो खुद परेशान है लेकिन उसे लग रहा है कि सामने वाला सुखी है, सुख तो है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन भाई बेमतलब में गाड़ी चल रही है, उलझुल जीवन चल रहा है, और गुरु महाराज सीधे कह रहे हैं संसार दुखान, अब तो विरक्त होने की बारी, देखो ये निर्णय, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये गुरु महाराज के वचन मार्ग इसीलिए है, मार्ग इसीलिए है कि तुम्हारे चित्त में बैठ जाए
तो स्वीकार तो से व्यक्ति तो है, कम से कम अंतर आत्मा तो कहे भैया घर को तो परिवार ये सहयोग में तो रहना पड़ेगा, एक अंतर आत्मा की आवाज तो निकले कि वास्तव में सब नश्वर है और सब क्षय होने वाला है, शाश्वत यदि कोई सत्ता है तो वो मेरा गायक स्वभाव ही है, इतना विश्वास तो बैठ। यदि ये श्रद्धा बैठ गई, ये विश्वास बैठ गया, ये आस्था बैठ गई, अंतर से ये हुंकार निकल गई, अंतर आत्मा जाग गई, तो ये जागा हुआ जो जीव है ये तो संसार से ग्रस्त होगा। भगवान जी पता नहीं लगेगा ये जागरण, ये अनुभूति, ये तत्व का निर्णय, ये तत्व की चर्चा, ये तत्व की होने वाली वार्ता, ये कब तुम्हारी स्वानुभूति में निमित्त बन जाएगी, ये कब तुम्हारे उपयोग को अंतर्मुख कर देगी। लेकिन भगवान आत्मा रुचि तो लगाओ, बार बार गुरु महाराज के वचनों को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के रुचि तो लगाओ कि भगवान ये सारा जगत अनित्य है, ये सारे पदार्थ अनित्य है, भगवान ये संसार दुख का घर है और मेरा आत्मा शाश्वत सुख का केंद्र है। अरे इंद्रियों के सुख पाने के लिए तो लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मेरा आत्मा का सुख तो स्वाधीन है और स्वतंत्र है, जितना चाहो उतना ले लो, मेरा मांग भैया। एक समय के लिए भी अंतरात्मा का अनुभव करोगे, एक क्षण के लिए भी अंतरात्मा में जाओगे तो उसमें से अनंत 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 सुख ही उत्पन्न होगा, कभी दुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। भैया बाहर से थोड़ा सा सुख चाहिए, पुण्योदय चाहिए और झोली फुलानी पड़ती है, और अपने सुख की कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना किसी से मांगना, ना किसी की गुलामी, ना किसी की पराधीनता, ना किसी का मोह, ना किसी से राग, अर्थात कोई बंधन ही नहीं है, स्वतंत्र सुख अपना, स्वाधीन सुख अपना, और कर्मों का सारा सुख परतंत्र पराधीन दूसरों के अवलंबन से प्रकट होने वाला, पुण्य पाप कर्म के अधीन। यदि पाप का उदय हो और दुकान ना चले तो दुखी, और पुण्य का उदय आ जाए चलने लगे तो सुखी, पाप के सुख दुख परावलंबनता पराधीनता दूसरों के आश्रित जीवन, कर्मों के आश्रित जीवन, और यदि स्वाधीन हो जाओ तो ये आत्मा तीनों लोगों का नाथ है, ये आत्मा संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतना है। और गुरुदेव तो ये कह रहे भैया संसार दुखान जय नर, यदि नर हो तो व्यक्त रहो, कायर हो विपाती, हमें कायर कह रहा हम पूरे घर का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, बच्चे हैं, पुत्र हैं, परिवार हैं, भरे पूरे संसारी हो, तुमने ये जीवन में जो पाप परिग्रह कमाया ना, अगली गति तुम्हारी नपुंसक की है, क्यों नरक में जन्म लो, पाप परिग्रह करा है तो अशुभ कर्म तो पाने है ना, कहां जाओ, जो कर्म किए हैं फल तो नहीं मिलेगा, कौन सा बड़ा काम करा बताओ। भैया जब जान रहे हो समझ रहे हो तो नर बनो ना, पुरुषार्थी बनो ना, गुरुदेव की बात को अंतर हृदय में ग्रहण कर लो ना, संसार दुखान व्यक्ति ही एकमात्र मार्ग है, उपाय। अब व्रत होने के लिए घर नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़ना, पैसा भी नहीं छोड़ना, ये सब मेरा है पागलपने की मानता छोड़नी, चिंता दिन भर की छोड़नी है, आकुलता छोड़नी है, दिन भर का कलेश भाव छोड़ना है, जो भाव तुम्हें तिल तिल करके रोज जलाते हैं, तिल तिल करके ईर्ष्या का भाव, इसके पास ज्यादा कैसे हो गया, इसने मुझे धोखा कैसे दे दिया, मेरी दुकान अच्छी क्यों नहीं चल रही, मेरा घर अच्छा क्यों नहीं चल रहा, मेरे बच्चे मेरी क्यों नहीं सुन रहे, जो विचार तिल तिल करके तुम्हारी आत्मा को दिन रात जलाते हैं, वो जलाने वाले भाव से मुक्त रहना, जो भाव तुम्हारे चित्त को निरंतर रुलाते हैं, तुम्हारी आत्मा को जो विकथाएं, जो व्यर्थ की चर्चाएं तुम्हारी आत्मा में निरंतर अशुभ कर्मों को बंद कराती हैं, उन चिंताओं को उन विकल्पों को त्यागना है और निर्विकल्प आत्मा मेरे अंतर में है, भगवान के वचनों का चिंतन करना है, भगवान पूर्व में कर्म किए थे तो आज उदय में आ रहे हैं, और यदि आज भी राग द्वेष के भाव किए तो मेरी गति दुर्गति पक्की है, इसलिए उपाय क्या करना है, उपाय क्या करना है, भगवान आपकी वाणी सत्य है, मेरे अंतर में मेरा चेतन स्वभाव है, मेरा सुख मुझ में निवास कर रहा है, ये इंद्रिय विषयों के सुख दो ये मेरे अधीन नहीं है, यदि किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसे अंतर मन से क्षमा कर दो,
किसी ने यदि भैया परोपकार किया है तो भी याद रखो तुम्हारे पुण्य की वजह से हुआ है और भगवान उसके अंदर कितनी दया की भावना है तभी तो कर पाया। परोपकारी का परोपकार याद रखो, यदि किसी ने अनिष्ट किया है तो सब तुरंत भूल जाओ। क्यों भूल जाओ भैया? यदि अनिष्ट को परोपकारी का परोपकार याद रखोगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे, और भैया यदि किसी ने बुरा किया है यदि किसको याद रखोगे तो तुम्हारे परिणामों में राग द्वेष खत्म होने वाला नहीं है। और राग द्वेष से आत्मा जलेगी, राग द्वेष मोह से आत्मा जलेगी तो भगवान जी दुर्गति कौन जाएगा? सीधी बात है, जो परिणाम करेंगे उसका फल अपने पे होगा। संसार दुखम, अब देखो गुरु महाराज आगे क्या कह रहे हैं, संसार दुखम जेना वृत्तम। गुरु महाराज व्रत होकर जाता कहां है? कह रहे सुनो, ते सम शुद्धम जिन गुप्त निष्ठम। संसार दुखम जेना वृत्तम, जो नर संसार से विरक्त है गुरुदेव जाता कहां है? वो घर छोड़ता है, जंगल जाता है, दुकान छोड़ता है, धर्मशालाओं में रहता है, मंदिर में रहता है, क्या करता है? देख लो गुरुदेव कह रहे हैं, जो संसार से विरक्त होता है ते सम शुद्धम, वो अपने स्व समय में जो शुद्ध आत्मा है, जिन गुप्त निष्ठम जो जिन्हें भगवान ने दिखाई है वो उस आत्मा को देखता है, ना घर छोड़ता है, ना परिवार छोड़ता है, ना धर्मशालाओं में। आप क्यों रहते हो? हम लोग तो पागल हैं, सीधी बात। लेकिन गुरु महाराज का कह रहा है ते सम शुद्धां जिन गुप्त निष्ठम, क्या करता है? ते सम शुद्धम, मेरे अंदर में समय, मेरा शुद्ध समय स्व समय अर्थात शुद्धात्मा, शुद्ध समय स्वरूप आत्मा मेरे अंदर में है। जिन उपदृष्टम, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने देखा है, कहा है और देखने के लिए ही कहा है, वो ऐसे स्व समय अपने अंतर आत्मा को अपने अंतर में देखता है। संसार से विरक्त होता है और आत्मा में अनुरक्त होता है, संसार की भावनाओं से विरक्त होता है और अपने शुद्ध समय की भावनाओं से संयुक्त होता है, इसका नाम है वृत्ति। अपन सोचते हैं काले कपड़े से सफेद कपड़े पहन लिए तो वृत्ति, हाँ, संसार के राग द्वेष कसाय के भाव से व्रत होता है और मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, सर्व भगवान ने कहा है, ज्ञायक स्वरूप मेरा है, मैं जगत का कर्ता धर्ता नहीं हूं। ऐसे जिन भगवान के बचपनों से होता है अनुरक्त, अपने स्व समय में आत्मा की रखता है प्रतीति और संसार की छोड़ देता है सुरति प्रतीति, इसका नाम है वृत्ति। भैया चित्त में चिंताओं से वृत्ति आ जाए और चिंतन में अनुरक्ति आ जाए तो भैया संसार से विरक्त, इतना सरल है भगवान जी। जिस स्थान पे चिंताएं चल रही हैं, जो चिंताएं तुम्हारी आत्मा की चिता बना रही हैं, तुम्हें दुर्गति में ले जा रही हैं, उन चिंताओं से विरक्ति और जो आत्म चिंतन तुम्हें चित्त बंधन अपने चेतन आत्मा की ओर लेके जा रहा है उस चिंतन में मुझे अनुरक्ति, समझ जा आप संसार से विरक्त, चिंताओं से छूट गए। जो होना है वो निश्चित है, जो होना है वो हो रहा है, जब होना है हो रहा है, मैं किसी का कर्ता धर्ता स्वामी नहीं हूं। चिंताओं से विरक्ति और ये जो चिंतन हुआ, इस चिंतन से भगवान के वचनों में अनुरक्ति, इसका नाम है नर पुरुषार्थी। क्यों पुरुषार्थी भैया? क्योंकि ये कर्म धाराओं के अनुसार भाव धाराओं में भेद नहीं रहा, बल्कि भगवान की वाणी में जय ज्ञान रूपम, जो अपना ज्ञान आया था उस ज्ञान में आत्मा के साथ रह रहा है। भगवान ने जो ज्ञान कहा था आत्मज्ञान, भगवान ने वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहा था, उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान सहित है ये भगवान जी, इसे अपने अंतर में स्व समय का ज्ञान है, इसलिए ये पर से वृत्त। और जिसे आप स्व समय का ज्ञान नहीं है वो जंगल में रहे या हिमालय की चोटी पे, वो संसार से डर नहीं है, संसार में
और जिसे आत्मा का ज्ञान है वो छह खंड के बीच में रहे 96,000 रानियों के। भैया उसे अंतरात्मा का ज्ञान है, ज्ञान होगा तो वृत्ति आएगी, अंतर आत्मा से जुड़ोगे तो वृत्ति आएगी, अंतर आत्मा में रहोगे तो वृत्ति आएगी। भैया अंतर आत्मा से नहीं जुड़ोगे, अंतर आत्मा में नहीं रहोगे, अंतर आत्मा का ध्यान नहीं होगा तो गुरु महाराज कह रहे हैं वृत्ति कैसे हो। देखो एक ही चरण हो पाया आज, कह रहा मुश्किल दो तीन गाथा को कंच नहीं हो पाएगा। संसार दुखम जे नर विरक्त, वो नर संसार से विरक्त होगा। गुरुदेव कौन नर विरक्त होगा? कहले में जिसे जिसे पता लग गया कि ये संसार दुख रूप है, तो भाई विरक्त होकर कहां जाए? विरक्त होगा तो या तो मंदिर जाए, तीर्थ जाएगा, ये चैत्य संसार से संसार से जो व्रत होगा कहाँ जाएगा? गुरु महाराज देखो बहुत अचूक सिद्धांत दे रहा है, जो नर संसार नर नर भाई क्षत्रिय की बात कर रहा है, पुरुषार्थी की बात कर, क्षत्रिय की बात पुरुषार्थी की बात पुरुषार्थी की बात कर, जो नर व्रत होगा वो कहाँ जाएगा? मंदिर जाएगा, प्रसाद जाएगा, चैत्यालय जाएगा, धर्मशाला में जाएगा, कहाँ जाएगा? अपने निर्स्तर रूप में जाएगा। हाँ, ते सम शुद्धम, वो अपने ते सम शुद्धम जो अपने शुद्ध समय में आत्मा है उसमें ही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। जिन उक्त निष्ठम जो जिन्हें भगवान ने कहा है उसको ही देखेगा, उसके अलावा वो कुछ और नहीं देखना, उसे देखने नहीं कि कहाँ मंदिर है, कहाँ चित्यालय, कहाँ धर्मशाला। अब उसका रहने का परिणाम सुख कर्म का योग आ जाए, सभी कपड़े पहन ले और धर्मशाला में रहने लगे, वो बात अलग है। परिपूर्ण उदय होगा तो, परिपूर्ण उदय नहीं होगा तो वो जहां भी रहेगा तो संयोग तो संयोग में रहेंगे, लेकिन वो रहेगा ते सम शुद्धम अपने शुद्ध समय। ये है मोक्ष का मार्ग, विरक्त होगा तो जीव अंदर जाएगा और अपन मतलब पूरे काम करेगा लेकिन दुखी नहीं रहेगा, वो घर में ही रहेगा। मतलब भाई भैया वो कुछ करेगा ही नहीं, अरे परिणमन चल रहा है। हाँ बस ये काम उसका संसार में परिणमन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, लेकिन वो परिणमन को जान रहा है और देख रहा है। एक रण नहीं रहा, बोलेगा नहीं कुछ, जोड़ नहीं रहा, परिणमन में छेड़ नहीं करेगा, परिणमन में छेड़छाड़ नहीं करना, परिणमन पुण्य और पाप को से स्वतंत्र है। परिणमन में छेड़ करोगे तो विकल्प हो आफलता होगी, और परिणमन को स्वतंत्र जानोगे तो भैया टाइम रहेगा, और टाइम रहेगा उपयोग फिर रहेगा तो चुपचाप अंतर यंत्र गुपचुप आना, पुण्य के उदय में प्रसन्न होएगा तो भी उलझा रहेगा, प्रसन्न होएगा तो दुखी भी होएगा, और पाप के उदय में दुखी होगा तो भी उलझा रहेगा, यदि पुण्य के उदय में नाचेगा तो भी बाहर, और पाप के उदय में रोएगा तो भी बाहर, और यदि पुण्य पाप के उदय में साक्षी रहेगा तो उपयोग रहेगा फ्री, तो उपयोग रहेगा फ्री तो थोड़ी देर तो टाइम पास बाहर कर लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद याद आएगी कि भगवान ने कहा था संसार दुख रूप है, यहाँ टाइम पास करना अनंत भवों को बढ़ाना है, नरक निरोध की गति को बढ़ाना है, तो तत्काल जाएगा अंदर, तो तत्व का चिंतन करेगा, भगवान की वाणी का स्मरण करेगा, जय जय हो जिनेन्द्र जेनन, सर बोध आ जाएगा कि मेरे अंदर में जय जयो जिनेन्द्र जैनालय। अरे लोगों ने देवालय बनाए, चैत्यालय बनाए, लोगों ने तीर्थ बनाए, मंदिर बनाए, लेकिन गुरु महाराज अनोखे संत हैं जिन्होंने कह दिया जय जयो जिनेन्द्र जैनालय। अरे जैनालय जिनाले ये आत्मा ही चैतन्य में वो बिंब है जो चैत्यालय है, अर्थात जिसमें चैतन्यता निवास कर रही है। इस जितेंद्रिय पद को जीत लो तो ये जैनालय है, तीनों लोगों में जय जयकार बच जाएंगे। जैनाली जोर है, जैनाली ये है जैनालय, जीत लो जिन जिन स्वभाव,
जिन में मम ज्ञान आयम संयम सत्तम सुवीर आयम यही जिन में मैं संयम से सद ज्ञान में वीतराग जिन मूर्ति है यही जिनाले है जहां ये जितेंद्र पद जीतता है यही परमेश की पद यही परम पद ये चलती फुरती संयम की मूर्ति है ये देवों के देव है इसको जीत लो ये जिनाले है चलता फिरता सिद्ध भगवान है मान जा ते सत दृष्टि ते सम सुतम जिन मुक्त दृष्टम जिन्हें भगवान कह रहा है जिन मुक्त कहा दृष्टम उन्होंने दिखाया है उन्होंने कहा है क्या कि जो संसार को दुख रूप जानेगा वो नर ते सम सुतम वो अपने शुद्ध समय में अंतरात्मा को पहचानेगा और भैया जो संसार में सुख मानेगा वो पागल बन के घूम रहा है पर अपन ने पहले उदाहरण दे दिया भैया इस संसार में दुख कैसे है जिनगन पागल आपने सुना नहीं बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक बार एक मिनट में रिपीट करके चर्चा का टाइम पूरा हो गया भैया संसार में दुख कैसे है इच्छा का नाम दुख है बहुत अच्छे से बताया हमने इच्छा से दुख है इच्छाओं से दुख है जितनी मन की कामना है वासना है उनसे दुख है संसार में दुख नहीं है जितनी इच्छाएं कामनाएं वो दुख है क्यों तो इच्छा कामना उत्पन्न होती है अज्ञान से उदाहरण दिया हमने कि चौथे काल में एक बार भूख लगती थी एक बार भोजन की इच्छा होती थी पंचम काल में चार बार भूख लगती है चार बार भोजन की इच्छा होती जितनी इच्छा बढ़ती है उतनी वेदना बढ़ती है जितनी वेदना बढ़ती है उतने कमाना उतने धमाना उतनी चिंताएं उतनी व्यवस्था मिलाना उतने पाप उतने परिग्रह उतनी अज्ञानता जितनी इच्छाएं कामनाएं बढ़ रही है उतने ही अभी आगे पंचम काल बढ़ेगा तो यहाँ और इच्छाएं बढ़ेंगी और वासनाएं बढ़ेंगी भौतिकता की ओर बढ़ रहा है जी भैया और वासनाएं बढ़ेंगी और इच्छाएं बढ़ेंगी और कामनाएं बढ़ेंगी जितनी इच्छाएं वासनाएं कामनाएं बढ़ती जाएंगी उतना उतना पंचम काल का दुख बढ़ता जाएगा और अपने आगे छठम काल का उदाहरण लिया था कि छठम छठा आ रहा जहां अग्नि नहीं रहेगी कच्चे कच्चा खाओ सम्यक दर्शन का अभाव है जिनवाणी नहीं मिलेगी धर्मात्मा जीवों को जन्म नहीं होगा खत्म हाँ धर्म सुन्न हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा केवल ज्ञानी के ज्ञान में चलती है अब ज्ञानी भाव जी मुझे रात के ज्ञान में चलती है और आराधना के पीछे लिखी हुई है बहुत पहले लिखता है पढ़ो तो कभी पिछले समय रहते रहते जिन उक्त दृष्टम जिन्हें भगवान ने दिखा दिया है कि स्वास्थ्य समय आत्मा तेरे अंदर में है पर ये स्वास्थ्य समय में रहेगा इस स्वास्थ्य समय को जान लेगा इस स्वास्थ्य समय की श्रद्धा प्रकट कर लेगा इस स्वास्थ्य समय का अनुभव उत्पन्न कर लेगा तो इन दुर्गतियों में कभी जन्म नहीं होगा पंचम काल देखने में नहीं मिलेगा आत्म अनुभव हो गया छठम काल तो नर्क तो बहुत दूर की बात अभी पंचम काल की आयु हुई कितने साल कितने बार 21,000 है ढाई निकल गए कितने हजार निकले ढाई 21,000 में से 2,500 निकल गए निकल जाएंगे तो काय चिंता करता है लेकिन जा ध्यान रखो भैया ते सम सुद्धाम का नर चला गया तो थोड़े पंचम काल मिल रहा तुम्हें छठा मिल रहा दोनों निकल जाए दोनों नरक में निकल जाए नरक की ओर ज्यादा आयु कहा है सागरों में सागर में इसलिए भगवान आत्मा जहां अपने को विकल्पों में ना उलझ के ते सम क्या हो एक ही उपाय है आज मान जाओ समय को मान जाओ तो समय सहार को स्वीकार कर लो हमने देखो हम एक बार 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 कहते हैं लेकिन नहीं हमें बात का विश्वास कोई नहीं करता हमने आपसे प्रवचन के काल में यही कम से कम जितने प्रवचन उतने प्रवचन में कई बार कह चुके
भगवान तुम्हारे जीवन भर के पाप को एक सम्यक दर्शन एक क्षण में नष्ट कर सकता है। जीवन भर के पाप दुर्गतियों के बंध को एक क्षण में मिटा सकता है आत्मा का साक्षात्कार। उसके मिलते 58 लाख योनि दुर्गतियों की देखने भी नहीं मिलती कभी। ऐसा चमत्कार है लेकिन विश्वास ही नहीं होता कि एक बार यदि 100 समय अंतर आत्मा से मिलन हो गया तो कभी 58 लाख योनि में एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। एक बार अंतर आत्मा का श्रद्धान हो गया, एक बार स्वानुभव को प्रकट कर लिया तो फिर इन दुर्गतियों की ओर कभी गमन ही नहीं। एक बार सही राह पकड़ ली, मुक्ति का मार्ग पकड़ लिया तो फिर अज्ञान को ज्ञान न पर कभी भ्रमाएगी नहीं। एक बार की बात समझ में नहीं आ गई और अब तो आधा जीवन में निकल गया, बचा कितना सा। इतने से ही जीवन में यदि अपन थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, इतने से ही जीवन में यदि अपन सत्य से जुड़ जाए, धर्म से जुड़ जाए, गुरु महाराज की इस वाणी का रहस्य समझ ले और अंतर आत्मा के सहज अनुभव को प्रकट कर ले तो इतना ही जितना समय सहज से, इतने में इतना काम हो जाए। लेकिन भैया रुचि लग जाए, देखो गुरु महाराज की वाणी बहुत गहरी है। अगले चरण में कल जिसका वाचन होगा सुबह, मिथ्या मैं मोह राग आदि खंडम, तुम्हारी मिथ्या मोह और मान राग आदि जो परिणाम है उनको खंडन करने के लिए कहेंगे, छोड़ने के लिए कहेंगे, खंडन करने का कहेंगे, खंड खंड कर दो। अब हम सभी इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, खंड खंड कैसे होते हैं। लेकिन भैया खंड खंड करने कहेंगे गुरु महाराज, लेकिन उससे कहेंगे कि जिसने अपने 100 समय को जिसने अपने 100 समय को नहीं जाना, जिसने अपने 100 समय का अनुभव नहीं किया, जिसे स्वीकार ही नहीं हुआ कि मैं इस पर समय इस संसार में जो चक्र घूम रहा है ना, मैं इस पर समय से भिन्न नहीं 100 समय में चेतन में आत्मा हूं, जिसने ये संतान नहीं किया उससे नहीं कहें। भैया अपन सभी लोग अपने आत्म का श्रद्धान करें, अपने तत्व की रुचि लगाएं और अपने आत्म तत्व के सहकार सहे इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं से बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत निरंतर मंगला आचार्य जी जय वस्तु जयंतयानंद श्री अभिनंद सहा।